अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन के बाद ऐलान हुआ कि परम वैभव संपन्न भारत के निर्माण का शुभारंभ हुआ है। एक महीना भी नहीं बीता कि 5 सितंबर को शाम 5 बजे नौजवान थाली बजाने लगते हैं, उन्हीं जगहों पर उसी तरह से थाली बजाने लगते हैं जैसा उन्हें 22 मार्च के दिन शाम 5 बजे करने को कहा गया था। यहां यह महत्वपूर्ण है कि इन नौजवानों में से अधिकतर या किसी को थाली बजाने का वक्त 5 महीने बाद भी शाम 5 बजे याद रहा। 5 और 5 की यह तुकबंदी इसलिए नहीं मिला रहा कि हेडलाइन चमकदार हो जाए, बल्कि यह समझने के लिए कि थाली बजाने का तरीका राजकीय था, यानी प्रधानमंत्री ने जनता से आह्वान किया था। जब जनता ने इसे विरोध के रूप में इस्तेमाल किया, तब क्या वह सरकारी तरीके से अलग रूप दे पाई थाली बजाने को, या उसी के जैसे हो गई जनता? थाली बजाकर सुनाना, दोनों ही स्थितियों में एक चीज अनुपस्थित है, विवेक, राजनीतिक समझ। रोजगार का प्रश्न परीक्षा के तारीख के प्रश्न तक सीमित नहीं है, इसलिए जो समझ रहे हैं कि जीत रहे हैं, जल्दी ही अपनी हार पर रोने वाले हैं। 5 सितंबर की शाम 5 बजे हिंदी प्रदेशों के कई हिस्सों से थाली बजाने के वीडियो आने लगे। इनमें से ज्यादातर वीडियो छात्रों के ही बनाए हुए थे, मीडिया के लाए हुए नहीं थे। मैं न्यूज चैनल नहीं देखता, इसलिए आप ही बता सकते हैं कि किस चैनल पर बेरोजगारों ने जब थाली बजाई तो संवाददाता ओवी वैन लगाकर सीधा प्रसारण कर रहा था। एक संख्या बताता हूं, रेलवे की 1.25 लाख से अधिक पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। इतनी विशाल संख्या के बाद भी मीडिया ने इसे कवर करने लायक नहीं समझा। मीडिया तंत्र के गुलाम हो चुके लोकतंत्र में अब संख्या का महत्व समाप्त हो चुका है। छात्र 6 साल में नहीं समझ सके, कोई बात नहीं, अगले साल समझ जाएंगे। अलग अलग जगहों से आई ये तस्वीरें सिर्फ रेलवे की भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों की नहीं थी, इसमें अलग अलग सरकारों की अनगिनत परीक्षाओं के सताए गए परीक्षार्थी भी शामिल थे। उन सबको स्थानीय बजाओ कार्यक्रम से कुछ हासिल नहीं हुआ, रेलवे के परीक्षार्थियों को भी खास हासिल नहीं हुआ। इस असफल आंदोलन से भी एक परीक्षा के सताए छात्र उत्साहित हैं, शायद यही सफलता है। अब ट्विटर पर मीम बनकर घूम रहा है कि यूपी के 69,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के सताए छात्र 9 सितंबर की रात 9 बजे अपने घर में अंधेरा करेंगे, मोबाइल से फ्लैश करेंगे, दिए जलाएंगे। जाहिर है उसे कोई कवर नहीं करेगा, जब प्रधानमंत्री कहेंगे तभी इसका कवर होगा। इसलिए छात्र प्रधानमंत्री से ही अपील करें कि सरकारें भले ही नौकरी ना दें, परीक्षा पूरी ना करें, मगर उनके आंदोलन का साथ दें ताकि मीडिया में कवर हो जाए। इस वक्त बड़ी लड़ाई कवर हो जाने की। 5 सितंबर की शाम 5 बजे ट्विटर पर हंगामा तो हुआ, थाली बजी तो रेल मंत्री ने पहली बार इस मामले में ट्वीट किया, वो भी अपना बयान नहीं बल्कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के बयान को ट्वीट किया। सिर्फ सूचना ही थी, नौकरी देने के वक्त किए जाने वाले दावे नहीं थे कि हमारी सरकार सबको रोजगार देगी वगैरह वगैरह। पीयूष गोयल के उस बयान की छौंक तक नहीं थी कि रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं, वो अक्टूबर 2017 का बयान था। पहले सुनिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को। रेलवे में 1,40,000 वैकेंसी नोटिफाई की गई थी कोविड से पहले, और इसमें कुल 2,42,00,000 एप्लीकेशन आई थी, और इस एप्लीकेशन की स्क्रूटनी पूरी कर ली गई थी। किसी वजह से कोविड की सिचुएशन होने की वजह से वो एग्जाम नहीं हो पाया, और अब ये निर्णय लिया गया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसका जो एग्जाम होता है इसके लिए, वो 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा और एक इसका डिटेल शेड्यूल बहुत ही जल्दी जारी किया जाएगा। यहाँ कोविड एक बहाना है, नीट जेईई की परीक्षा कराते वक्त सरकार कोविड को बहाना नहीं बनाती है। रेलवे की जिस परीक्षा की बात हो रही है उसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया अप्रैल 2019 में खत्म हो चुकी थी, तब आपने कोरोना का नाम नहीं सुना था। इस परीक्षा को जून से सितंबर 2019 के बीच संपन्न होना था, मगर अब यह परीक्षा दिसंबर 2020 में शुरू होगी। छात्र ही कह रहे हैं कि प्रक्रिया पूरी होने में 2020 या 2023 आ जाएगा, 3-4 साल निकल जाएंगे उनकी जिंदगी के। खैर, जब 5 सितंबर को विनोद कुमार यादव ने बयान जारी किया, तब वे क्या आसानी से भूल गए कि इस आंदोलन में सहायक लोको पायलट की परीक्षा पास कर ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे जवान शामिल हैं? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस परीक्षा का ऐलान हो चुका था। खैर, 6 सितंबर को विनोद कुमार यादव दूसरा बयान जारी करते हैं, वो सुनिए। एएलपी जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर बहुत जल्दी दिया जाएगा। जो एएलपी ज्वाइन करते हैं, उनको ज्वाइन करते ही ट्रेनिंग करना होता है, और वो ट्रेनिंग इस समय कोरोना के समय कैसे किया जाए उसके बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं, और जैसे ही ट्रेनिंग के बारे में प्लानिंग पूरी हो जाएगी, हम ये उनको ज्वाइन करा के और ट्रेनिंग पे भेजेंगे। ये ट्रेनिंग जो होती है वो फील्ड में होती है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी ये ट्रेनिंग हो जाए तो पूरी सावधानी बरती जाए, और किसी के स्वास्थ्य को कोई तकलीफ ना हो तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे ही ट्रेनिंग के लिए पूरी प्लानिंग हो जाएगी हम उनको ज्वाइन करा लेंगे। विनोद कुमार यादव अपने इस दूसरे बयान में भी एक परीक्षा भूल जाते हैं।
27,795 लोको पायलट के साथ साथ 36,576 टेक्नीशियन की भी बहाली निकली थी, जिसका रिजल्ट अक्टूबर 2019 में आया। कुछ की इस साल ज्वाइनिंग हुई मगर बाकियों की अटकी हुई है, कब होगी इस बारे में बयान नहीं आया है। विनोद यादव कह रहे हैं कि सहायक लोको पायलट की ट्रेनिंग कैसे कराई जाए, इसकी प्लानिंग पूरी होते ही उन्हें ज्वाइन करा लिया जाएगा। अभी तक इसकी प्लानिंग भी नहीं हुई। पिछले साल अगस्त सितंबर से सारी प्रक्रियाएं पूरी कर नौजवान घर बैठे हैं बिना सैलरी के, अभी तक ट्रेनिंग की प्लानिंग नहीं हुई है। वो जब हो जाएगी तब अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, कब होगी कब हो जाएगा इसकी कोई तारीख नहीं। अब मैं आपको फिर से फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। 19 जून के बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को आप फ्लैशबैक में पढ़िए, देखिए जो करना है कीजिए। पहले खबर छपती है कि रेलवे ने जनरल मैनेजरों से कहा है कि रेलवे की आमदनी में कमी आ गई है, नई भर्तियों के सृजन पर रोक लगा दीजिए और जिन पदों पर भर्ती नहीं हुई है उन्हें सरेंडर कर दीजिए, यानी समाप्त कर दीजिए। सुरक्षा पदों को छोड़कर नए पदों का सृजन नहीं होगा, यानी नई वैकेंसी नहीं आएगी। एक दिन बाद रेलवे सफाई देता है कि पदों के विलय से नौकरियां कम नहीं होंगी। हम डाउन साइज नहीं कर रहे हैं, राइट साइज कर रहे हैं, एक दूसरा शब्द आता है। तब भी यह साफ नहीं किया गया कि 1,40,000 पदों की भर्ती के लिए जो 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं उनकी परीक्षा होगी या नहीं होगी, उन पर रोक ये लागू होगी कि नहीं होगी। इन पदों को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी कहा जाता है, NTPC। जाहिर है ये सुरक्षा से संबंधित पद नहीं होंगे। तब भी नहीं कहा जाता है कि सहायक लोको पायलट की ज्वाइनिंग जल्दी पूरी करेंगे, इसके बाद भर्ती नहीं होगी, ये जून के महीने की बात है। इस आंदोलन का सीमित लाभ यही हुआ कि रेलवे को ऑन रिकॉर्ड बोलना पड़ा कि 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं और 1,40,000 पद हैं। परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू हो सकती है, जो 23 जनवरी 2019 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा था, रेल मंत्री ने, कि 2018 में जो भर्तियां निकली थी उन्हें 2-2.5 महीने में, यानी मार्च अप्रैल 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह उन्हीं भर्तियों की बात मैं कर रहा हूं, आज तक इन पर नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं, तब मंत्री जी ने कहा था कि 2021 तक रेलवे में 4 लाख पद भरे जाएंगे। चुनाव बीत गया, आप खुद भी सर्च करें कि इन भर्तियों को लेकर मंत्री जी ने कब कब बयान दिए हैं। पिछले वर्ष हमने शुरू किया था 1.5 लाख के करीब लोगों को नई नौकरी देने का काम, उसके बावजूद आज भी लगभग 1.25 लाख 1,32,000 लोगों की रिक्वायरमेंट रेलवे में है। और इसके अलावा अगले 2 वर्ष का जब आकलन लेते हैं तो लगभग 1 लाख लोग अगले 2 वर्ष में रिटायर होने का अनुमानित आंकड़ा है। तो यानी अंदाजन 2.5 लाख, 2.25 से 2.5 लाख लोगों को और अधिक मौका मिले और 1.5 लाख की भर्ती का काम ऑलरेडी चल रहा है, तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख की तो प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुकी है, लगभग 2-2.5 महीने में पूरा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल को कम से कम स्टेटस रिपोर्ट देनी चाहिए कि अप्रैल मई 2020 तक कितनी भर्तियां पूरी होनी थी, कितनों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले और कितनों को नहीं मिले हैं, वो कब तक दिए जाएंगे। प्राइम टाइम में मंत्रोच्चारण नहीं होता कि सारी परीक्षाओं के अलग अलग नाम लिए जाए। मेरी नजर में रेलवे की परीक्षा एक उदाहरण है और सभी परीक्षाओं की प्रतिनिधि समस्या। कहीं शिक्षक भर्ती को लेकर नौजवान तड़प रहा है तो कहीं पुलिस भर्ती को लेकर, कहीं यूपी में कहीं बिहार में, कहीं सहायक भर्ती को लेकर तो कहीं कोषागार भर्ती को लेकर, बंगाल से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक नौजवान परेशान है। ट्विटर पर ट्रेंड कराने और थाली बजाने तक 1 हफ्ते की इनकी एकजुटता व्यापक रूप से फैल रही है। सबको भरोसा है कि नेहरू और कश्मीर पर व्हाट्सएप प्रचार ने इनके सोचने की राजनीतिक शक्ति समाप्त कर दी, उसी से बाहर आने में इन्हें 20 साल लगेंगे। आईटी सेल इस वक्त नदारद है, जब भी बेरोजगार ट्रेंड कराता है आईटी सेल भाग जाता है, जबकि उसे इसी वक्त नेहरू और धारा 370 को लेकर मीम बनाने चाहिए ताकि उनकी सुगंध से ही नौजवान फिर से मदहोश हो जाएं। हमें भी कवरेज के झंझट से मुक्ति मिल जाए। आज यानी 7 सितंबर के दिन 11 बजे भी कई परीक्षाओं के परीक्षार्थी अलग अलग ट्रेंड करा रहे थे। कुछ ट्रेंड ने जल्दी दम तोड़ दिए तो कुछ थोड़ी देर तक चलते रहे। IBPS क्लर्क इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के 7 परीक्षार्थी ट्रेंड करा रहे थे। इनका हैशटैग था स्पीकअप PNB, IB, UBI, CB, CBI, IBPS 9 ज्वाइनिंग 2, PNB क्लर्क ज्वाइनिंग। अक्टूबर 2019 में इस परीक्षा के फॉर्म भरे गए थे। छात्रों का कहना है कि 20 मई को नतीजे आए, लेकिन 100 दिन बाद भी पता नहीं कि प्रोविजनल अलॉटमेंट कब होगा। कुछ बैंक ने ज्वाइनिंग कराई है, कईयों ने नहीं कराई है। बिहार से दरोगा बहाली CBI जांच और #stat2019 बिहार ट्रेंड करते ही दम तोड़ गया। महाराष्ट्र से #joinusMSEDCLJE2019 चला। विद्युत वितरण विभाग ने 2019 अगस्त में ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियर की 450 पोस्ट निकाली थी। परीक्षा पिछले साल नवंबर में हुई और रिजल्ट आकर अप्रैल में वेरिफिकेशन भी हो गया, मगर ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं।
#LIC Assistant Impaneled 2019, #ESIC Chhattisgarh और #DMRC 2019 Vacancies in Justice ट्रेंड होकर शांत हो गया। रेलवे की एक और परीक्षा का ट्रेंड चलता रहा, #RRB JEE Joining, इसका कुछ पता नहीं है कब ज्वाइनिंग होगी। #SpeakUpForALPTech Waiting List भी चल रहा था। इनके अलावा #UP Police 2013 को नियुक्ति दो भी नजर आया। FCI के असिस्टेंट जनरल ग्रेड 3 के पदों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरवरी मार्च 2020 में हो गया था। 6 महीने से नियुक्ति बाकी है। 4,100 से ज्यादा छात्र हैं। इन्होंने #SpeakUpForFCIJoining या #FCIJusticeForOBC ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश से सहायक कनिष्ठ टाइपिंग टेस्ट जारी करो, #SpeakUpForUPSSCVideoJoining और #SpeakUpForUPSSCStudents ट्वीट होता रहा। मजदूर माँ बाप हैं वो लोग जो मजदूर माँ बाप हैं, किसी तरह से पैसा इकट्ठा करते हैं, इलाहाबाद भेजते हैं इतनी मेहनत से, और फिर उसके बाद पता चलता है कि अब आप ही सोचिए 2016 की वैकेंसी 2020 में हो रही है, लगभग 4 साल हो गए हैं। बताइए इस 4 साल के अंतराल में कितना लोगों को कष्ट हुआ होगा, कितना अंतराल गायब हुआ होगा, कितना पैसा, कई चीज़ें हैं जो 4 साल के अंदर हमको लग रहा है कि अगर बड़ा परिवर्तन हुआ। मैं ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर चुका हूँ और लगभग तीन साल से मैं कम्प्लीटली तैयारी पे हूँ, तो मुझे लगता है कि आज सरकार के ऊपर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्या लगता है उससे सरकार पर कोई प्रभाव पड़ा है या पड़ेगा? वैसे तो सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है और सोशल मीडिया एकदम पूरी तरह से सरकार के अंडर में काम कर रही है। कुछ ही मीडिया ऐसे हैं जैसे मुख्यतः रवीश कुमार जी जो हैं, जो जमीनी स्तर से अपनी आवाज़ को पूर्ते उठाते रहते हैं, और अच्छा लगता है कि हम जैसे विद्यार्थियों का ये आवाज़ ये बुलंद करने वाला कोई ऐसा मीडिया है जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक दिन इस सोशल मीडिया के द्वारा, रवीश कुमार जी के द्वारा कहीं ना कहीं एक विद्यार्थियों की ओर अग्रसर करेगा। ऐसा नहीं है कि रेल मंत्री रेल को लेकर ट्वीट नहीं करते। हर दिन वे एक तस्वीर ट्वीट करते हैं कि मालगाड़ी में कहां से क्या लदा है, कहीं ट्रक से अनाज लद रहा है तो कहीं कभी किसी तस्वीर में कारें लोड हो रही हैं, मगर नौकरियों को लेकर चुप्पी है। इसी तरह निजीकरण को लेकर संसद में बयान दिया करते थे कि उनकी सरकार के रहते निजीकरण नहीं करेंगे, मगर रेल मंत्री आए दिन निजीकरण के फायदे को लेकर ट्वीट करते रहते हैं। 23 फरवरी 2016 का ट्वीट किया कि सुधार कीमतें बढ़ा देने से या निजीकरण से नहीं आता है, सिस्टम की कमियों को ठीक करने से आता है। अब 3 सितंबर 2020 को ट्वीट करते हैं और कई ट्वीट है कि निजीकरण से सिस्टम में एफिशिएंसी यानी सुधार आता है। कहते हैं आगे का रास्ता अवसरों की प्रचुरता से भरा है, ये अवसर सरकारी और निजी क्षेत्र में है। हाल में कई सेक्टर खोल दिए गए हैं जिनमें रेलवे भी है। 13 जुलाई 2020 को ट्वीट करते हैं कि सरकार के पास ही रेलवे का स्वामित्व होगा, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करेंगे ताकि कम कीमत पर अच्छी सेवा मिल जाए। यह नहीं बताते कि सरकार कम कीमत पर अच्छी सेवा क्यों नहीं दे सकती, क्या प्राइवेट सेक्टर के पास कोई गड़ा हुआ खजाना है? 8 जुलाई का ट्वीट देखिए पीयूष गोयल का, रेलवे की वर्तमान में चल रही सेवाओं में बिना कोई परिवर्तन किए निजी भागीदारी द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त 151 नई ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों से रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, बल्कि इस भागीदारी से आधुनिक सुविधा सुरक्षा सहित सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिसका लाभ यात्रियों को मिलेगा। प्राइवेट हो जाने से सीट कैसे बढ़ जाएगी? जब कांग्रेस ने आलोचना की तब पीयूष गोयल ने एक आर्टिकल ट्वीट करते हुए कहा कि दिशाहीन हो चुकी है कांग्रेस। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उल्लेख प्रत्येक बजट में किया जाता है। क्या आप जानते थे कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को निजीकरण प्राइवेटाइजेशन नहीं कहा जाता है? कई बार ये कहा जाता है कि हम रेलवे को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। अब मेरा तो वैसे गला जल्दी बैठ जाता है पर गला फाड़ फाड़ के बार बार बोल चुके हैं कि कोई रेलवे को प्राइवेटाइज कर ही नहीं सकता है। रेलवे को प्राइवेटाइज करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं। भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने की ना तो कोई प्रस्ताव है, कल्पना है, और ना कभी प्राइवेटाइज होगा। भारतीय रेल भारत की जनता की संपत्ति है, जनता की संपत्ति रहेगी। लेकिन अगर कुछ नई सुविधाएं आती हैं एडिशनल, तो उससे देश का लाभ होगा। कोई नए प्रोजेक्ट लगते हैं, देश की जनता को नए तरीके से सुविधाएं मिलेंगी। कोई नए रूट से टेक्नोलॉजी लाते हैं, कोई नए स्टेशन बनाने को तैयार हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं तो देश का काम है, निवेश को इन्वाइट करना चाहिए। रेलवे में किसी चीज को प्राइवेटाइज करने का किसी प्रकार की कोई योजना नहीं। अगर कोई इस प्रकार की बात करते हैं तो वो गलत प्रचार है, और उसमें आप में से कोई भी गलत प्रचार में प्लीज डोंट फॉल प्रे टू इट। लंबे समय तक ये कहना कि निजीकरण नहीं होगा, फिर निजीकरण को नए अवसर के रूप में बताने लगना, गियर वैसे भी आसानी से चेंज हो जाते हैं। रोजगार बढ़ाने के नाम पर रेलवे का निजीकरण हो रहा है, लेकिन खुद प्राइवेट सेक्टर रोजगार नहीं दे पा रहा है। महामारी के कारण वह भी संकट में है। निजीकरण नहीं होगा इसे लेकर पहले के बयानों पर कोई सफाई नहीं। 2021 तक 4 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी जा सकेंगी, इस पर अब कोई बयान नहीं। पीयूष गोयल ने लोकसभा